बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, अभी शाम के 7 बज चुके हैं। तो अभी जो है ना, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। जुहेब बेटे का सूट ले आई हूँ, शाहजेब बेटे का भी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दूसरी बात यह है, जैसा आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सोफ़े जो थे ना, वो सेल कर दिए हैं। तो हमने लिए भी बड़े शौक़ से, तो आज वो सेल कर दिए हैं। किस मजबूरी में किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बादल दिखाती हूँ, शाम का मौसम। तो अभी आप लोग देखें, ये बादल वगैरह बन के आ रहे हैं। ये अंधेरी ना आ जाए, मुझे काफ़ी डर लगता है। तो आज दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हबस वगैरह थी, तो हम लोगों ने कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया। तो अभी चाय बनाई है, चाय पी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जुहेब का सूट। हाँ जी, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है ना शाहजेब बेटे का है। तो ये खोल दी नहीं हूँ क्योंकि समेटना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कलर है ना, ये शाहजेब का है। तो ये आप लोगों को ये कलर कैसे लगा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने कहा मेरे शाहजेब बेटे को ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाला जो कलर मैंने लिया है, ये है जुहेब का। दोनों ही जो है ना वाशनवेल के हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। मेरे वाला ज़्यादा खूबसूरत है, अल्लाह के करम से। तो ये जो कलर है ना, ये ऐसे ब्लैक नहीं है, मतलब काला नहीं है, ये है ऐसे सुरमई सुरमई कलर है। तो मैंने कहा ये जुहेब बेटे को अच्छा लगेगा। तो काफ़ी फैन भाई कह रहे थे जुहेब को कि आप जो है ना खेड़ी, मतलब काली खेड़ी ले लें। तो इंशाल्लाह जुहेब काली खेड़ी लेगा, ये साथ जो है ना इसका सूट होगा, ये इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो शाहजेब का जो सूट है ना, उसकी खेड़ी के मतलब जिस तरह उसकी खेड़ी है, उस तरह जो है ना उसका सूट मैंने लिया है। तो ये जो है ना, मैंने अपनी बेटी का लिया है, लेकिन मेरी बेटी के जो है ना पहले भी कपड़े पड़े थे, वैसे मैं ले आई हूँ। मैंने कहा चलो वो जो है ना, ये वाली शलवार और ये कमीज़ है, इस तरह कंट्रास्ट किया मैंने। तो शायद इस पर ना कोई कढ़ाई वगैरह करवाएंगे, वरना जो है ना इस पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो मैंने, मुझे उधर ना समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इस तरह कुछ जो है ना ये कंट्रास्ट किया है। तो आप लोगों ने ये भी कंट्रास्ट बताना है कि यह कंट्रास्ट है कैसा। या फिर सिलाई करूँगी, फिर मज़ीद पता चलेगा कि कौन सी कमीज सिलाई करती हूँ, कौन सी शलवार। अभी ये रख देती हूँ। ये जो हेब ने खोल दिया है सबको, अभी देखे ना ये, इसको अभी लपेटना नहीं आया, क्या करूँ। तो अभी जी शाम का जो है ना आटा भी गूंधना है। दोपहर को हम लोगों ने दाल का सालन बनाया था, तो वो अभी पड़ा है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने सोफ़े क्यों सेल किए हैं। हमने सोफ़े बड़े शौक से लिए थे, हमारे बच्चों की, मतलब हमारी बच्चों की खुशी थी कि हमें जो है ना सोफ़े ले के दें। डेली ये कहते थे, तो हम लोगों ने इनकी बात मान के सोफ़े ले आए। लेकिन जो वो सोफ़ों का कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। जैसे बच्चे बैठते थे तो ये कहते थे कि ये सख्त हैं सख्त हैं। तो कुछ इस वजह से हमने कहा चलो ये सख्त हैं और ले लेंगे, तो वो हम लोगों ने सेल कर दी। दूसरी बात ये है कि जो है ना, हमारे जैसा आपको पता है कि जगह जो है ना वो बहुत कम है। ये जगह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो हम लोग घर भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर हमें मिलते हैं। डेली जो है ना हम लोग घर देखते भी हैं, पता भी करते हैं, वो इस तरह घर मिलते हैं जिस तरह ये ओपन है ना, छोटा सा घर है, ओपन है, तो इस तरह मिलते हैं। हम लोग कहते हैं कि घर हम लें जो बंद घर होगा, तो उसमें ना सामान वगैरह महफूज पड़ा रहता है, मतलब ख़ुद भी महफूज होता है, सामान वगैरह भी। अभी जो अंधेरी आई थी ना, उसने तो वैसे भी हमारे घर का बुरा हाल कर दिया था। तो सोफ़े मैंने छुपाए हुए थे, फिर भी वो जाए ना गंदे हो गए थे। जैसे मैंने पेटी इस कमरे से उठाई थी, तो आप लोगों को दिखाए थे कि बिच्छू तिड़ियाँ, तो इस तरह की जहरीली चीज़ें थी। तो सोफ़े भी हम लोगों ने उठाए हैं, उनके नीचे भी इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने इस वजह से सोफ़े सेल कर दिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरे शोर ने कहा नहीं ये सेल कर देंगे, अभी और जो है ना लेंगे, वो कुछ नरम लेंगे। तो पहली बार लिया है ना, कुछ हमें समझ भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह अभी जब भी लेंगे, पूरा फर्नीचर लेंगे, मतलब बेड वगैरह भी लेंगे। जी जी, बहुत दुख ये बात का है कि चलो मैं पहले बैठता था, लेकिन वो थे साफ ऐसे टेबल की तरह। हाँ, बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। तो इंशाल्लाह पूरा फर्नीचर लेंगे। पहले जो, वैसे भी मेरे काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि आपने गलती की है सोफ़े लेके, तो आप लोगों की बिल्कुल बात सही थी।
तो कुछ मेरे बहन भाई कल कह रहे थे कि इस बड़ी ईद पे ना कपड़े वगैरह नहीं लेते, कुर्बानी करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भैया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी कुर्बानी करेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। जिसके कपड़े भी तो लेने थे ना, अभी जैसा आपको पता है कि गर्मियों में कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एक एक सूट मैंने लिया, कोई ज़्यादा नहीं लिया। तो अपने बेटों का, बेटी का, अपना, अपने शोर का एक एक सूट ही लिया है। बाहर जो है ना जानवर भी चल रहे हैं, तो आप लोगों को वो दिखाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आप लोग देखें, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल जो है ना जानवर चल रहे हैं, गायें चल रही हैं। तो ऊपर से बादल शादल भी बन चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हवा में तो बंद कर लेती हूँ। तो जी, आटा जो है ना हमने गूंध लिया है, अभी फ्रिज चलाएंगे, आटा भी ठंडा होने के लिए रखेंगे, दूध भी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी हम लोग जो है ना फ्रिज कम चलाते हैं। तो अभी परिंदे भी अपने घरों को जा रहे हैं, तो शोर कर रहे हैं, आपको भी आवाज़ आई होगी। जो हमारे सोफे थे ना, वो मेरे शाहजेब बेटे को ज़्यादातर उसको पसंद नहीं थे, वो हमें डेली कह रहा था ये सोफे सही नहीं है, एक तो ये बड़े साइज़ के हैं, दूसरा ये सख्त हैं। तो हमने कहा चलो उसको पसंद नहीं है, तो हम लोग अभी ऐसे कर गए, इनको सेल कर देते हैं और ले लेंगे। छोटे भी कहते थे लेकिन ये थोड़ा कम कहते थे, वो ज़्यादा कहता था। हमने तो पसंद थे वो बस क्या करें, आपने आप भेज दिया, अब एक चीज़ का ये वापस तो नहीं आ सकती। अभी जी जुहेब की खेल भी हम लोग ने लेनी है, ब्लैक वाली जी, वो भी आप सब बहन भाइयों के कहने पे। तो अभी जी मैं जो है ना व्लॉग का एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।